फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनारसी कपक ममता एंड शशि। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में पनीर सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत बनाने में बहुत इजी है, बहुत इंस्टेंट बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और खाने में बहुत यम्मी लगती है। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सैंडविच बनाने के लिए ये मैंने 10 ग्राम मेरा ये पनीर है, जिसको हल्का अपने हाथ से ही मैश करके रख लिया है। और लेयर लगाने के लिए ये मेरी सेजवान चटनी है ये, और ये काली मिर्च का पाउडर है, और नमक ऐड करेंगे और ब्रेड यूज करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे स्टेप करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रेड ले लेना है, और ब्रेड पे ये सेजवान चटनी की अच्छी तरीके से पूरा ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देना है। और फिर जो पनीर मैश करके रखा था उसको अच्छे से इसके ऊपर ऐड करना है। अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ब्रेड जब सेकने के लिए रखें तो अच्छे से सिक जाए। अब इसके ऊपर हल्का सा ये काली मिर्च पाउडर और बहुत लाइट सॉल्ट डाल देना है, और फिर इस ब्रेड को आपको अच्छे से इस पे लगा के प्रेस कर देना है, ताकि अब इसको नॉन स्टिक पैन पे सेक लेते हैं। तो नॉन स्टिक पैन पे थोड़ा सा बटर लगा लीजिए, और जब गर्म हो जाए फिर अपना सैंडविच को इसके ऊपर डाल के हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अब ये दोनों तरफ ब्राउन ब्रेड आपका सिक जाए फिर मैं इसको निकाल देंगे। जब एक साइड सिक जाए तो दूसरे साइड भी हल्का हल्का बटर ऐड कर दीजिए। और फिर इसको ये देखिए कितना अच्छे से ये सिक गया है। इस कलर में आप इसको ब्रेड को सेकेंगे ना तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी और क्रंची लगेगा। तो ये अब मेरा दोनों तरफ से प्रॉपर सिक गया है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको मैं निकाल देती हूँ, और इसको कट करके टेस्टी और बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी और यमी है। आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत तेज़ है, बहुत इंस्टेंट बन गई है और क्रस्ट भी बहुत ज्यादा आपको इसमें अच्छा फ्लेवर। तो आपको मेरी ये अच्छी और डिलीशियस रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड